हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू बायोलॉजी बाय नेहा, एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट लिविंग मैग्नेट्स। ऑलराइट, आप में से आई गेस बहुत कम लोग होंगे जिनको लिविंग मैग्नेट्स के बारे में पता होगा। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को लिविंग मैग्नेट्स के बारे में नहीं पता, सो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, कुछ ना कुछ आप लोग इसमें से गेन करके ही जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को लिविंग मैग्नेट्स के बारे में जानने के लिए। ऑलराइट, देखो लिविंग मैग्नेट क्या होते हैं, एक तरीके के बैक्टीरिया हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड में दिखा रखे हैं, आप इनको पढ़िएगा तो उसमें यही लिखा है कि जो लिविंग मैग्नेट्स हैं वो क्या है, एक तरीके के बैक्टीरिया हैं। ठीक है, बैक्टीरिया कैन रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल फैक्टर अदर देन केमिकल्स। बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो क्या करता है, एनवायरमेंट के फैक्टर्स को क्या करता है, रेस्पॉन्ड करता है। वैसे ही एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का, जो क्या करता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को रेस्पॉन्ड करता है। ऑलराइट, एंड अ फैसिनेटिंग एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द एक्वेटिक मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया दैट ओरिएंट देमसेल्व्स इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से एक बैक्टीरिया ऐसा है जो अपने आप को क्या करता है, ओरिएंट करता है। ओरिएंट करता है दैट मीन्स जहाँ मैग्नेटिक फील्ड का, जहाँ अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपनी बॉडी को ओरिएंट करता है। और क्या करता है, अब उसके उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपने बॉडी का क्या करता है, मूवमेंट करता है। द बायोलॉजिकल फिनोमेनन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेंडिंग टू मूव इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट्स मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक इज नोन एज मैग्नेटोटैक्सिस। यानी कि ये बायोलॉजिकल फिनोमेना जिसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है एनवायरनमेंट के मैग्नेटिक करेक्टर को, रिस्पॉन्ड कर रहा है, उस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटोटैक्सिस। मैग्नेटोटैक्सिस मीन्स जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, इन्वायरमेंट के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, रेस्पॉन्स कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटोटैक्सिस। ऑलराइट, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैव इंट्रासेलुलर चेन ऑफ मैग्नेटाइट पार्टिकल दैट आर कॉल्ड मैग्नेटोसोम्स। अब वो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स कर रहा है, दैट मीन्स उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी कि वो क्या कर पा रहा है, उसको रिस्पॉन्स कर पा रहा है। सो उसके अंदर, उस बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मैग्नेटोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। मैग्नेटोजोम्स क्या होते हैं, चेन्स ऑफ मैग्नेटाइट। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगी क्या होते हैं मैग्नेटोजोम्स, क्या होते हैं चेन्स ऑफ मैग्नेटाइट होते हैं। मैग्नेटाइट मीन्स Fe3O4। ठीक है, Fe3O4 की क्या होती है, वहां पे चेन होती है, वो चेन को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटोजोम प्रेजेंट होते हैं, जो जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक क्या कर पाते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, अर्थ के मैग्नेटिक करेक्टर को क्या कर पाते हैं, रिस्पॉन्स कर पाते हैं। मैग्नेटोसोम्स आर अराउंड 35 to 125 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड आर बाउंडेड बाय अ लिपिड बायलेयर। जो मैग्नेटोसोम्स हैं, यानी कि जो चेन है मैग्नेटाइट की, वो क्या होती है, 35 to 125 नैनोमीटर की होती है इन डायमीटर एंड बाउंडेड बाय अ लिपिड बायलेयर। और किससे बाउंड रहती है, लिपिड बायलेयर से बाउंड रहती है। कुछ कुछ स्पीसीज बैक्टीरिया की ऐसी होती है जिनमें मैग्नेटोसोम्स किसके बने होते हैं, ग्रीगाइट एंड पाइराइट के। यानी कि मैग्नेटाइट के बदले वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नेटाइट की चेन के बदले वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, ग्रीगाइट चेन एंड पाइराइट चेन। मैग्नेटाइट क्या है, Fe3O4, वाइल ग्रीगाइट एंड पाइराइट क्या है, Fe3S4 एंड Fe3S2। सल्फाइट हैबिटेट में रहने वाले बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होगा, Fe3S4 एंड Fe2S2। ऑलराइट, Fe यानी कि आयरन उसमें प्रेजेंट है, दैट मींस वो क्या करेगा, सो करेगा मैग्नेटिक करेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। नाउ सी, ये हमें, मैंने आपको ये डायग्राम दिखा रखा है किसका, लिविंग मैग्नेट का। ये जो बैक्टीरिया है, इस तरीके से वो बैक्टीरिया होता है, एलोंगेटेड बॉडी का बैक्टीरिया होता है। यहाँ पे भी आप उसकी इमेज देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक इमेजेस यहाँ पे है। ठीक है, और ये डायग्राम के थ्रू इसमें से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्या है, आपको जहाँ पे मेरा मार्कर है उस ही को देखिएगा, आप उसको देखिएगा, मेरे मार्कर पे जो शो हो रहा है वो क्या है, मैग्नेटोसोम की चेन है। ठीक है, ये पूरी क्या है, कंप्लीट मैग्नेटोसोम की क्या है, चेन है। मैग्नेटोसोम क्या था, मैग्नेटाइट था। ठीक है, Fe3O4
ये मैग्नेटोसोम की क्या है, यहाँ पे इस बैक्टीरिया में पूरी चेन प्रेजेंट है जिसकी हेल्प से वो क्या कर पाता है, अपनी बॉडी को क्या कर पाता है, ओरिएंट कर पाता है इन रिस्पॉन्स टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, अब हम एक मैग्नेटोसोम को अगर यहाँ पे देखें तो ये एक मैग्नेटोसोम किसका बना, कैसा है, लिपिड बायलेयर है, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, मैग्नेटोसोम के क्या है, क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। फिर ये क्या है, मैग्नेटोसोम की चेन है, और यहाँ पे ये किससे बाइंडेड है, एक दूसरे, एक मैग्नेटोसोम की, एक मैग्नेटोसोम का क्रिस्टल दूसरे मैग्नेटोसोम के क्रिस्टल के साथ कैसे बाइंड है, एक्टिन लाइक फिलामेंट के थ्रू क्या है वो आपस में बाइंड है, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और ये बैक्टीरिया की बॉडी का ओरिएंटेशन है। तो उसी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही उस क्या करता है, बैक्टीरिया अपनी बॉडी को क्या करता है, ओरिएंट करता है और क्या करता है, स्विम करता है, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, जनरली ओशन में, ठीक है, वाटर में प्रेजेंट रहता है, वहां पे क्या करेगा ये बैक्टीरिया, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में स्विम करेगा और क्या करेगा, अपना फूड वहां से लेगा, ठीक है। ये डायग्राम अच्छे से देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। सी, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, हम देखते हैं। सिंस ईच आयरन पार्टिकल इज अ टाइनी मैग्नेट, हमें पता है कि ईच आयरन पार्टिकल क्या है, अपने आप में एक टाइनी मैग्नेट है, और वहां पे उस बैक्टीरिया में क्या है, मैग्नेट आयरन पार्टिकल्स की चेन प्रेजेंट है, तो उस वजह से वो क्या कर पाता है, एक्टिवली क्या कर पाता है, स्विम कर पाता है और अपनी बॉडी को क्या कर पाता है, ओरिएंट कर पाता है अर्थ के मैग्नेटिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया इन साउदर्न हेमिस्फीयर जनरली ओरिएंट साउथवर्ड एंड डाउनवर्ड, वो यही है कि अगर मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है तो वो अपनी बॉडी को कहाँ को ओरिएंट करेगा, साउथवर्ड एंड डाउनवर्ड। मैग्नेटोसोम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन हेड्स ऑफ बर्ड्स, ट्यूना, डॉल्फिन, ग्रीन टर्टल एंड अदर एनिमल। मैग्नेटोसोम्स कहाँ भी प्रेजेंट होते हैं बोल रहा है वो, हेड्स ऑफ बर्ड्स में, ट्यूना में, डॉल्फिन में, ग्रीन टर्टल्स में। ये क्या है, एनिमल्स क्या है, ज्यादातर डॉल्फिन, ग्रीन टर्टल, ये सब कहाँ रहने वाले हैं, वाटर में रहने वाले, तो ये मैग्नेटोसोम बैक्टीरिया जनरली कहाँ पे मिलते हैं, वाटर में मिलते हैं, तो वाटर एनिमल में के हेड में की और उनकी बॉडी में क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया इज, अगर हम कॉमन एग्जाम्पल लें तो वो है एक्वा स्पाइरलम मैग्नेटोटैक्टिक। ऑलराइट, एक्वा स्पाइरलम मैग्नेटोटैक्टिक। टू सेंस द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया यूज टाइनी मैग्नेट इनसाइड देम कॉल्ड मैग्नेटोसोम। अब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को वो कैसे सेंस करेंगे, किसके थ्रू सेंस करेंगे, मैग्नेटोसोम्स के थ्रू सेंस करेंगे जो उनकी बॉडी में क्या है, प्रेजेंट है। उनकी बॉडी में जो मैग्नेटोसोम्स प्रेजेंट है वो किसकी तरह एक्ट करता है, एज अ टाइनी मैग्नेट, एक टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है जो क्या करता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को क्या होता है, खींचा चला जाता है, तभी तो वो अपनी बॉडी को क्या कर पाता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ओरिएंट कर पाता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्बिंग क्रिस्टल from the environment, MTB form these crystal inside themselves by pumping iron ions in from the environment. अब वो magnetosomes बनते कैसे उस bacteria के अंदर, वो कैसे बनते हैं, जो bacteria है, magnetotactic bacteria है, वो क्या करता है, अपनी body के अंदर ही क्या करता है, उन crystals का क्या करता है, formation करता है, किसके through, iron ions को क्या करता है, pump in कर लेता है, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है, आयरन आयन का एक्यूमुलेशन करता है, एनवायरनमेंट में आयरन आयन क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है, एनवायरनमेंट से वो क्या करता है, आयरन आयन को लेता है और अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है और उनके क्या बनाता है, क्रिस्टल फॉर्म करता है, ठीक है। अंडर द माइक्रोस्कोप मैग्नेटोसोम अपीयर स्मॉल एंड डार्क एंड हैव वैरायटी ऑफ पार्टिकल शेप्स रेंजिंग फ्रॉम सर्कुलर टू इलोंगेट। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो मैग्नेटोसोम हमें कैसा दिखाई देगा, स्मॉल डार्क क्रिस्टल दिखाई देगा, जिस जो क्या है अपने शेप में वेरी कर सकता है, डिफरेंट बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया वो क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है, इट मे बी सर्कुलर और इट मे बी इलोंगेटेड। The size of these tiny magnet is strictly controlled and is optimal to produce the maximum magnetic movement. जो इनका टाइनी मैग्नेट्स का जो साइज होता है वो क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है। ये नहीं कि अगर उन्होंने मैग्नेट वो मैग्नेट के क्रिस्टल अगर उनकी बॉडी में बन रहे हैं तो वो किसी भी शेप के बन सकते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो जो साइज है वो क्या है, स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड होता है
इतना वो उसका साइज रहेगा मैग्नेटोजोम का कि वो अर्थ के मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या कर सके, रिस्पॉन्स कर सके और मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके. उनकी बॉडी इतना मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस कर सके कि वो क्या कर सके, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सके, रिस्पॉन्स कर सके. और राइट, इतना भी छोटा नहीं होगा मैग्नेट का साइज, उनकी बॉडी के अंदर टाइनी मैग्नेट जो बनेंगे इतना छोटा भी नहीं होगा कि वो क्या करे, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स ही ना कर पाए, या फिर इतना ज्यादा भी नहीं होगा कि वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को पूरा रिस्पॉन्स कर जाए कि वो वहां पे रह ना पाए. ठीक है, तो उनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है और जो मैग्नेटिक टाइनी मैग्नेट है वो इस हिसाब से कंट्रोल होंगे कि वो क्या कर सके, मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट बना सके और अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या कर सके, प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर सके. MTB contain many chain of linearly arranged magnetosomes since a single magnetosome cannot produce enough force to align themselves in bacterial cell to an external magnetic field. ये वही है पॉइंट, यही लिखा है कि एक मैग्नेटोजोम क्या कर नहीं कर सकता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स नहीं कर सकता. तो इसीलिए मैग्नेटो MTB में क्या होती है, चेन होती है, चेन ऑफ लीनियरली अरेन्ज मैग्नेटोजोम्स होती है. ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम. See, magnetosomes are as nanoparticles an active area of research. जो magnetosome है उनको हम किसके through as a nanoparticle use कर सकते हैं, इस पर अभी क्या है, actively research चल रही है. जो magnetic nanoparticles होते हैं वो क्या होते हैं, tiny magnetic particles होते हैं 1 to 1000 nm in size. And they are actively used in different area of research. हमें पता है कि नैनो पार्टिकल्स का यूज डिफरेंट एरिया ऑफ रिसर्च में हम करते हैं. ठीक है, दे आर सिंथेसाइजिंग इंडस्ट्री. और नैनो पार्टिकल्स को हम जब किसी रिसर्च में किसी काम में यूज करते हैं तो वो कैसे, वो कहाँ बन रहे हैं, वो नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज कहाँ हो रहा है, वो लैब में या इंडस्ट्री में सिंथेसाइज हो रहे हैं. ठीक है, तो उनको लैब में और इंडस्ट्री में अगर हम सिंथेसाइज कर रहे हैं तो उसमें वो बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है. ठीक, तो उस प्रोसेस को, उस एक्सपेंसिव प्रोसेस और वो बहुत डिफिकल्ट भी होती है इतने स्मॉल साइज का नैनो पार्टिकल बनाना, तो उससे कम ऑफ करने के लिए साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, जो मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स मैग्नेटोसोम्स जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट हैं उनको क्या करना चाह रहे हैं, हार्वेस्ट करना चाह रहे हैं. लार्ज अमाउंट में वो अगर हार्वेस्ट हो जाते हैं तो उनका हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. तो उस पे अभी रिसर्च चल रही है और वही सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं. ठीक है, दे आर सिंथेसाइज्ड इन इंडस्ट्री एंड हैव वैरायटी ऑफ यूजेस सच एज कैटलाइजिंग केमिकल रिएक्शन, वेस्ट वाटर क्लीनिंग एंड अप्लाइंग टाइनी अमाउंट ऑफ फोर्स टू पुश एंड पुल एन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट. जो नैनो पार्टिकल्स है उनका यूज हम कहाँ करते हैं, केमिकल रिएक्शन में उनका यूज होता है, वेस्ट वाटर ट्रीट में उनका यूज होता है, पुश और पुल अगर हमने कोई माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट करने हैं तो उसमें हम नैनो पार्टिकल्स का यूज करते हैं. साइंटिस्ट आर आल्सो टेस्टिंग द पोटेंशियल ऑफ मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल इन मेडिसिंस फॉर सच एज For uses such as cancer detection and treatment, treating infections and drug delivery to specific cells in the body. और scientist क्या कर रहे हैं, नैनो पार्टिकल्स का यूज किस में कर रहे हैं, एज अ मेडिसिन भी यूज कर रहे हैं, कैंसर डिटेक्शन और कैंसर ट्रीटमेंट में भी नैनो पार्टिकल्स का यूज हो रहा है, और कुछ ड्रग डिलीवरी अगर हमने पर्टिकुलर बॉडी की पर्टिकुलर सेल्स में ड्रग डिलीवरी करवानी है तो उसके लिए भी मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है. अगर हम मैग्नेटोजोम को बैक्टीरिया में से हार्वेस्ट कर लेते हैं तो ये क्या होगी, ये प्रोसेस और इजी हो जाएगी, कि नैनो पार्टिकल्स को बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एक्सपेंसिव होती है, अगर वो हार्वेस्ट बैक्टीरिया सेल्स में से इजीली हो जा रही है तो इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, और आगे प्रोसीड कर सकते हैं, लार्ज वे में प्रोसीड कर सकते हैं. ऑलराइट, एक्टिव रिसर्च इज बीइंग डन टू हार्वेस्ट देम फ्रॉम MTB इन लार्ज क्वांटिटीज. ठीक है, एक्टिव रिसर्च चल रही है कि हम MTB को क्या कर सके, MTB में से क्या कर सके, मैग्नेटोसोम्स को, नैनो पार्टिकल्स को क्या कर सके, हार्वेस्ट कर सके. MTB मींस मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया, एज दे आर एसेंशियली प्री मेड मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स. और वो क्या कर रहे हैं, उनकी बॉडी में बन रहे, सिंथेसाइज हो रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, MTB में से मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स को निकाल के अपने यूज के लिए यूज कर सकते हैं, डिफरेंट यूज के लिए. Industrially constructing nanoparticle of this size accurately, reproducibly is both
एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट। ये हमें पता है कि हम नैनो पार्टिकल्स को इंडस्ट्री में बनाना बहुत एक्सपेंसिव है और डिफिकल्ट है, बहुत टाइम टेकिंग है। इतने छोटे नैनो पार्टिकल्स को बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है। तो हमें अगर MTB बनी बनाई मिल जाए तो वो क्या होगा, हर फील्ड में हम उसको क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, कम टाइम में भी हम ज्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक है। सी, जो मैग्नेटोसोम्स हैं, मैग्नेटोसोम आर आल्सो बीइंग यूज्ड टू इंड्यूस मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया यूजिंग मैग्नेट्स टू हीट अप सेल दैट हैव टेकन अप मैग्नेटोसोम। जो मैग्नेटोसोम है वो किस लिए आजकल कौन सी थेरेपी में यूज हो रहा है, मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया थेरेपी में भी क्या हो रहा है, मैग्नेटोसोम का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। जो कि क्या करता है, जिसमें क्या होता है, मैग्नेटोसोम्स जो सेल ले लेती है, ठीक है, जो भी सेल मैग्नेटोसोम को टेकअप करेगी उन सेल्स को क्या करते हैं, हीट अप करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू या मैग्नेटिक हीट उनमें प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, वो सेल हीट अप होते हैं और क्या हो जाते हैं, डाई ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरियल सेल्स ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस अ कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शन बाय पंपिंग देम फुल ऑफ मैग्नेटोसोम एंड अप्लाइंग मैग्नेटिक हील्ड। साइंटिस्ट ने क्या किया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो कॉमन इन्फेक्शन कॉज करता है हमारी बॉडी में, पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है स्टेफाइलोकोकस, उसको क्या किया, उसमें क्या किया, मैग्नेटोसोम पंप ऑफ कर दिए, ठीक है, उनमें क्या किया, मैग्नेटोसोम को इंसर्ट किया और फिर क्या किया, मैग्नेटिक हीट अप्लाई की। तो उससे क्या हुआ, मैग्नेटिक हीट जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक जहाँ पे मैग्नेट प्रेजेंट है वो क्या होगा, हीट अप होगा, तो वो क्या होगा, सेल क्या हो गई, डाई ऑफ हो गई। तो इसी को बेस मानते हुए मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया का क्या किया गया, यूज किया गया किसमें, कैंसर थेरेपी में। मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया इज ऑल्सो बींग एक्सप्लोर्ड इन कैंसर रिसर्च एज इट कैन टारगेट एंड किल ट्यूमर सेल्स। मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया का कहाँ पे यूज किया गया, कैंसर रिसर्च में यूज किया गया कि वो क्या करे, पर्टिकुलर ट्यूमर सेल्स को टारगेट करे और उनको क्या करे, किल कर दे। दीज थेरेपी में प्रूव यूजफुल बिकॉज दे टारगेट ओनली दो सेल्स दैट हैव टेकन अप मैग्नेटोसोम लीविंग सराउंडिंग सेल इंटैक्ट। और ये थेरेपी क्या है, बहुत यूजफुल हो सकती है, क्योंकि ये थेरेपी में क्या होगा, मैग्नेटोसोम जिस सेल ने मैग्नेटोसोम को लिया है वही सेल क्या होंगी, किल ऑफ होंगी, बाकी रिमेनिंग सराउंडिंग सेल क्या होंगी, इंटैक्ट रहेंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको एग्जांपल के थ्रू मैं अब समझाऊंगी कि कैसे ये थेरेपी यूज हो रही है कैंसर सेल को किल करने के लिए। ऑलराइट, सी, अब ये डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स का यूज हम किस में कर रहे हैं, कैंसर ट्रीटमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट ए डायग्राम आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो ए सेल आपको दिख रही है, ये सेल क्या है, यहाँ पे पढ़िए आप, मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स आर कोटेड विथ एंटीबॉडीज दैट रिकॉग्नाइज ट्यूमर सेल। ये क्या है, मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल है, इसके अंदर क्या डाल दिए गए, मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल जो ब्लैक डॉट डॉट स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स हैं और इनको किससे कोट कर दिया गया है, एंटीबॉडीज है, ये आपको ऊपर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या एंटीबॉडीज है, ठीक है, ये क्या है, कंप्लीट एंटीबॉडीज हैं जो कि किसको रिकॉग्नाइज करेंगी, ट्यूमर सेल को रिकॉग्नाइज करेंगी। ये एंटीबॉडी किसको रिकॉग्नाइज करेंगी, ट्यूमर सेल्स को, और इनको हमने किस इसके अंदर क्या डाले गए हैं, मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स, यानी कि मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स को किससे कोट कर दिया गया है, ट्यूमर सेल्स की एंटीबॉडी से कोट कर दिया गया है। ये फिर उसको हमने क्या है, इंजेक्शन में लिया और अपनी बॉडी के अंदर क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। ये एक थ्योरेटिकल डायग्राम है, ठीक है, इस ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया, जिसमें क्या है, ट्यूमर सेल्स हैं। अब जहां पे भी ट्यूमर सेल्स होंगी, यहाँ पे इसमें क्या है, हमने क्या इंजेक्ट किया है, एंटीबॉडी इंजेक्ट किया, जो क्या करेगी, किस पे एक्ट करेगी, ट्यूमर सेल्स को ढूंढेंगी और उन ट्यूमर सेल्स में क्या करेंगी, एक्ट करेंगी। तो बी पार्ट में हमें क्या दिख रहा है, द नैनो पार्टिकल आर इंजेक्टेड इन अ पेशेंट एंड दे बाइंड टू द ट्यूमर सेल। ट्यूमर सेल्स को हम नॉट ट्यूमर सेल्स नैनो पार्टिकल्स को हमने क्या किया, बॉडी में इंजेक्ट किया और ये इंजेक्ट करने के बाद एंटीबॉडी किससे बाइंड होंगी, ट्यूमर
सेल्स से बाइंड होंगी। ठीक है, देन सी देखेंगे हम, अप्लाइंग चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हीट अप द नैनो पार्टिकल्स एंड अटैच्ड ट्यूमर सेल। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या हो रहा है, हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं और बॉडी को क्या कर रहे हैं, हीट अप कर रहे हैं। ये यहाँ पे क्या है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, अब जो भी सेल, जिस ट्यूमर सेल ने क्या लिया है, मैग्नेटोसोम को लिया है, वो सेल क्या होंगी, हीट अप होंगी। ठीक है, हीट अप होंगी तो वो सेल क्या हो जाएंगी, कुछ टाइम में डाई हो जाएंगी। ठीक है, डेड हो जाएंगी। क्यों हुई हीट अप, मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पॉन्स में वो हीट अप क्यों हुई, क्योंकि जो सेल बॉडी में हमने इंजेक्ट की थी उसमें क्या था, मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल क्या होंगे, मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे, हीट अप होंगे और सेल क्या हो जाएगी, ट्यूमर सेल डाई हो जाएगी। मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल उस ट्यूमर सेल के ऊपर बहुत सारे मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल आ गए, वो हीट अप होंगे तो सेल भी हीट अप होगी, सेल हीट अप होगी तो सेल क्या हो जाएगी, डाई ऑफ हो जाएगी। और सिर्फ वही सेल डाई होगी जिसमें मैग्नेटोसोम होगा, और हमने मैग्नेटोसोम को किससे कोटिंग करवा दी थी, किससे कोट करवा दिया था, एंटीबॉडी जो क्या कर रही थी, ट्यूमर सेल को रिकॉग्नाइज करी थी। तो वो सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ट्यूमर सेल पे रिकॉग्नाइज होंगे, ट्यूमर सेल पे ही प्रेजेंट होंगे, तो ट्यूमर सेल पे प्रेजेंट होंगे और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे, हीट अप होंगे और ट्यूमर सेल क्या हो जाएगी, डाई ऑफ हो जाएगी। एंड डी में हमें क्या दिख रहा है, ट्यूमर सेल डाई हो गई है और एक हेल्दी पर्सन दिख रहा है। ठीक है, ये था प्रोसेस, एक थियोरेटिकल प्रोसेस कि कैसे हम मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स का यूज कर सकते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आई है, अगर आप कुछ गेन करके गए हैं इस मेरी वीडियो के थ्रू, तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, कमेंट कीजिए आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, और मुझे कमेंट करके इस पर्टिकुलर वीडियो पे जरूर बताइएगा कि आपको लिविंग मैग्नेट्स के बारे में पहले से पता था, या मेरी वीडियो के बाद आपने इस इंटरेस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जाना। सो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और सो टेक केयर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।